गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। उसने चार दिन में ही ईरान के सामने घुटने टेक दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ईरान से तनाव घटाने पर राजी हो गया है। पाकिस्तान ने यह फैसला ऐसे वक्त लिया जब उसकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने अपनी एयर ड्रिल शुरू की, जिसे लेकर माना जा रहा है कि ईरान के सामने पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई और उसने अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन पाकिस्तान के दिन शायद अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि भले ही दोनों देश एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुए तनाव को घटाने में सहमत हो गए हों, लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सेना की अफगान सैनिकों के साथ भी झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा रक्षा और अफगान के सत्तारूढ़ तालिबान के बीच शनिवार को डूरंट लाइन पर झड़प हो गई, जिसमें कम से कम 3 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ सकता है। इन सब के बीच ईरान और पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने पाकिस्तान की सेना को 16 जनवरी को हुई एयर स्ट्राइक के बारे में पहले ही बता दिया था। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को यह नहीं बताया था कि वो इस खबर को सार्वजनिक करेगा। लोकल ईरानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल के हवाले से लिखा, पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमलों के लिए पाकिस्तानी सरकार के सहयोग की जरूरत थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। खास बात यह है कि ईरान को भी इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया क्यों था। दरअसल ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का जैश अल अदल आतंकी संगठन ईरान की सीमा में घुसकर कई बार वहां की सेना पर हमले करता रहा है। ईरान की सेना को रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहा जाता है। ईरान सरकार कई बार पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर लगाम देने की वार्निंग दे चुकी है। 2015 में पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। तब ईरान के 8 सैनिक पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में घुसे सुन्नी आतंकवादियों के संघर्ष में मारे गए थे। ये आतंकी भी जैश अल अदल के थे। तब ईरान सरकार ने कहा था, हमारी सीमा पर तैनात सैनिकों का पाकिस्तान से घुसे आतंकवादियों के साथ संघर्ष हुआ, हमारे 8 सैनिक शहीद हो गए, इस मामले में जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। खैर, पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव खत्म होने की बात कही तो जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव फिर भी जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि अगर तनाव रहा तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, खासकर 2019 पुलवामा हमले के बाद। दूसरी ओर नई दिल्ली ने पिछले कुछ दशकों में ईरान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान में भारत और ईरान के संबंधों को चिंता की दृष्टि से देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने ईरान के हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह उन दोनों देशों के बीच का मामला है। हालांकि नई दिल्ली ने यह भी कहा था कि वह देशों द्वारा अपनी आत्मरक्षा में की जाने वाली कार्रवाई को समझता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।